मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने जारी वक्तव्यों में कहा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन भगवान की कर्मस्थली चित्रकूट थी, जहां भगवान श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसीलिए चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर होना चाहिए। इस धाम में भी भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए व वनवासी स्वरूप की दिव्य प्रतिमा स्थापित करते हुए सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी इसकी पक्षधर है। चित्रकूट धाम में भगवान की कोई भी यादें मिटने नहीं दी जाएगी, चाहे वह सिद्धा पहाड़ का मामला हो या कोई अन्य। भगवान श्री राम से जुड़ी कोई भी पहचान, चाहे वह उत्खनन से जुड़ी हो या विकास से, पूरी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर करना पड़ेगा। इसके लिए विंध्य के लोगों को साथ लें, साधु संतों का आशीर्वाद लें, आवाज बुलंद की जाएगी। तत्काल प्रभाव से सिद्धा पहाड़ में स्वीकृत की जाने वाली लीज निरस्त की जाए, साथ ही चित्रकूट के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। हमारे विंध्य के चित्रकूट धाम, जो राम की तपोभूमि कहलाती है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, पर 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी चित्रकूट पधारे, जो विंध्य क्षेत्र का चित्रकूट है। वहां आए तो साधु संतों की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, यज्ञ की स्थापना किए, धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए, राक्षसों का विनाश किए। जहां भगवान राम, जो राम है, भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, जब राम जी चित्रकूट आए तो सर्वभंगा आश्रम पहुंचे, सर्वंग ऋषि से मुलाकात हुई। सर्वंग ऋषि से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक पहाड़, जिसको सिद्धा पहाड़ कहते, उसके बारे में जानना चाहा। तुलसीदास, सर्वंग ऋषि जी ने बताया कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, जिसको राक्षसों ने ये ढेर लगा दिया है। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। उस पहाड़ी को कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं, उस सिद्धा पहाड़ को खोद कर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। जहां राम जी ने सौगंध लिया कि दुष्टों का विनाश करूंगा इन हड्डियों के कारण, उस हड्डी को खोद कर, उस हड्डी के पहाड़ को निकालकर अपना धंधा चलाने वाले लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि विंध्य की अस्मिता, विंध्य का सम्मान, विंध्य का चित्रकूट, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम इसको किसी भी तरह वहां व्यापारिक गतिविधियां, किसी को धंधा खदान वो नहीं चलाने देंगे। 30 तारीख को, 30 सितंबर को जनसुनवाई है। हम 30 तारीख, 29 तारीख को चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए सर्वंग आश्रम आएंगे और 30 तारीख की जनसुनवाई को रोकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है आपकी जानकारी में ना आया हो, मैं 3 बार मिलने का प्रयास किया पर मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस खदान का कारोबार तत्काल में बंद करें और राम की, तुलसीदास जी की रामायण की, कालिदास जी के रामायण की जो उल्लेखित चीज है, उनको संरक्षित करें, उनको बचाएं और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का भी विकास करें।